सबसे पहले तो आप समझो, पहले तो बताओ ये क्या है, व्हाट इज दिस? आप बोलोगे ये ट्रायंगल है, ठीक है, व्हाट इज दिस? ट्रायंगल। अच्छा रुको, स्किपिंग लगाए यहां पे, आर्ट ऑफ स्किपिंग नहीं, छोड़ो यार, चलो अभी हम लोग पहले 10 क्लास हमने बोला है ना कि आपको 10 क्लास पहले हम कंसेप्ट सिखाएंगे, उसके बाद हम लोग टी पे चलेंगे, ट्रिक यानी एग्जाम अप्रोच, और फिर कैलकुलेशन का गेम होगा। अभी रुको, अभी हम लोग समझते, चलो ये एक ट्राइंगल है, देखो तीन ट्राइंगल्स बना रहे हैं, हाँ एक ट्राइंगल, दो ट्राइंगल और तीन ट्राइंगल, सब लोग मेरे साथ बनाओगे बहुत प्यार से, एक और बनेगा क्या, चलो देख लेंगे। पहला ट्राइंगल में हमने बनाया ऐसे, ऐसे एक लाइन बनाई जो कि बेस में आया 90 डिग्री पे, ठीक है 90 डिग्री पे। कौन बताएगा इसको क्या बोलते हैं? तो आप बोलोगे सर इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कौन सा, एक वो वेब सीरीज है ना जिसमें परपेंडिकुलर रहता है भाई, एक परपेंडिकुलर, ठीक है परपेंडिकुलर, चलो ठीक। अच्छा अभी हमने इस ट्राइंगल में एक ऐसा लाइन बनाया ऐसे जो बेस को दो बराबर हिस्सा में बांटे, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं लंब, परपेंडिकुलर यानी लंब, और जो बेस को बराबर में बांटे इसको हम लोग बोलते हैं मीडियन। क्या बोलते हैं? मीडियन। और अगर हिंदी में बोले तो बोलते हैं माध्यिका, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर रॉन्ग तो करेक्ट मी, माध्यिका, ठीक है माध्यिका, चलो। और अगर हम एक इसमें ट्राइंगल में बनाए तो हम लोग क्या करेंगे, इस बार हमने बोला ये जो एंगल है इसने इस एंगल को बाइसेक्ट कर दिया, तो इस बार इसको क्या नाम देंगे, एंगल बाइसेक्टर। क्या देंगे? एंगल बाइसेक्टर। सबको समझ में आया यहां तक? पूरा क्लियर सबको? तो अगर 90 डिग्री का लाइन है बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट गिरा है, इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर या फिर हाइट ऑफ ट्राइंगल। अगर ऐसे आया है मतलब जो बेस को बराबर हिस्सा में बांट, इसको बोलेंगे माध्यिका, मीडियन, और जिसने एंगल को बाइसेक्ट कर दिया, एंगल बाइसेक्टर। अब मजा ये नहीं है, मजा तो भाई अब आपको समझने में है, ये आपको ये समझ में आ गया परपेंडिकुलर क्या होता है, आपको ये समझ में आ गया मीडियन क्या होता है, आपको ये समझ में आ गया एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। अभी आप एक फिर से नया स्लाइड हमें लेना पड़ेगा, तो एक फिर नया स्लाइड में फिर से समझते हैं। अभी दो केस हो सकता है, टू केसेस और हो सकता है एक ट्राइंगल में। तो पहला केस तो यह है कि ट्राइंगल के अंदर एक छोटू सर्कल बने, ट्राइंगल के अंदर एक छोटू सर्कल बने, और दूसरा केस ये हो सकता है कि ट्राइंगल के इर्द गिर्द एक बड़ा सर्कल बने। बहुत ध्यान से समझोगे अगर आप चाहते हो जीवन भर के लिए ये सब चीजें क्लियर हो जाए, तो नोट्स बना के पढ़ो, बार बार बोल रहे हैं नहीं तो भूल जाओ फिर। चलो तो क्योंकि ट्राइंगल के अंदर, जैसे हम बोलते हैं वैसे ही बोलना और लिखना भी, क्योंकि ट्राइंगल के अंदर सर्कल बना तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इन सर्कल। राइटिंग बोले ना खराब, यही मार के मुंह आ देंगे। और क्योंकि ट्राइंगल के बाहर सर्कल बना, बड़ा सर्कल बना, तो इसको बोलेंगे आउट सर्कल। लेकिन आउट सर्कल बोलने में अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो इसीलिए इसको बोलेंगे सरकम सर्कल। क्या बोलेंगे? सरकम सर्कल, क्योंकि जो सर्कल है उसने ट्राइंगल को अपने सर्कमफेरेंस के अंदर ले लिया। देखो सर्कमफेरेंस सर्कल का, उसके अंदर समा गया ट्राइंगल, इसीलिए इसको बोलते हैं सर्कम सर्कल। यहां तक सबको क्लियर है? आई होप सबको क्लियर है। तो जो इन सर्कल, छोटू सर्कल का जो छोटा सा रेडियस आया, छोटा सा रेडियस आया आर, आर आर, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे इन रेडियस, इन रेडियस। और जो बड़ा सर्कल का, सर्कम सर्कल का बड़ा रेडियस आया आर, आर आर, इसको बोलेंगे क्या? बिल्कुल सही, सर्कम रेडियस। क्या बोलेंगे? सर्कम रेडियस। यहां तक सब लोग खुश हैं, किसी को डाउट नहीं है, आगे बढ़े। चलिए दो स्लाइड हुआ, अभी एक और स्लाइड आएगा और ये है हमारा फाइनल स्लाइड, लास्ट स्लाइड। अभी हमने बोला देखो तीन केस हो सकता है। केस वन, केस वन में क्या हुआ कि हमने बोला एक ट्राइंगल के, किसी भी एक त्रिभुज के तीन मीडियंस होंगे, एक ये मीडियन आया ऐसे, एक ये मीडियन आया ऐसे, एक ये मीडियन आया ऐसे। मीडियन कैसे? देखो इसको बांट दो, ये इसको बांट दिया और ये इसको बांट दिया। ये क्या है आप लिखिए कॉपी में, व्हेन थ्री मीडियंस, माध्यिका
इंटरसेक्ट ईच अदर, क्या करता है इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब तीनों एक दूसरे को जब मिलते हैं, ये हुआ पहला केस। जब तीन मीडियंस, तीन माध्यिका एक दूसरे को मिलेंगे तो जहां पे मिलेंगे इस पॉइंट को बोलेंगे हम लोग जी, क्या बोलेंगे जी, फिर से बोल रहे हैं, जब तीन मीडियंस किसी पॉइंट में मिलेंगे इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे जी, और इस जी को बोलते हैं सेंट्रॉइड। मतलब हम लोग को ऐसे याद रखना है कि जब तीन माध्यिका बीचों बीच मिलेंगे जहां, उसको बोलेंगे सेंट्रॉइड जी, जैसे भाभी जी भैया जी वैसे सेंट्रॉइड जी, ठीक है, याद रखना इसको, बार बार आएगा, हमेशा यूज करेंगे, सबको क्लियर यहां तक। तो हमने बोला जी सेंट्रॉइड है। अब और एक बात समझिए, ये जो जी सेंट्रॉइड है ये इस किसी भी मीडियन को, तीन मीडियंस है, किसी भी मीडियन को 2:1 के रेशियो में बांटेगा। कितने रेशियो में बांटेगा, बोलो बोलो बोलो, 2:1 के रेशियो में बांटेगा। तो सपोज करो मेरा ये मीडियन है ए डी, ए डी, और ये बीच वाला पॉइंट क्या है जी, तो हम क्या सीखे कि ए जी ने ए डी को, यानी ए जी इज टू जी डी बराबर 2:1, 2:1। सर हमको तो ये सब नहीं आता, पहली बार देख रहे हैं, अभी तो पढ़ो ना, इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं, आपको नहीं आता, आप जीरो हो ना, तो अब तो नहीं हो ना बे, ठीक है, चलो इतना मेहनत काहे कर रहे हैं कि अगर आप जो जीरो हो उसको भी समझ आए। चलो अब एक और, ये था केस वन जिसमें मीडियंस मिले, अभी दूसरा केस देखो। तो दूसरा केस ये है कि इस बार हमने बोला कि इस बार आर्यन कुमार तुम तीनों एंगल बाइसेक्टर को मिलाओ, एक एंगल बाइसेक्टर, दो एंगल बाइसेक्टर, और ये तीसरा एंगल बाइसेक्टर, तीसरा एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे तीनों एंगल बाइसेक्टर मीट करेंगे, लिखिए, व्हेन थ्री एंगल बाइसेक्टर्स मीट या इंटरसेक्ट, थ्री एंगल बाइसेक्टर्स इंटरसेक्ट ईच अदर, तो उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरसेक्ट ईच अदर। एंगल बाइसेक्टर जब मीट करेंगे तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे आई, क्या बोलेंगे आई, आई, आई फॉर इन सेंटर, इन सेंटर। सर क्या ये यही वाला इन सेंटर है, बिल्कुल सही पकड़ा दोस्त, बिल्कुल एकदम आपने एकदम धागा खोल दिया, ये यही वाला इन सेंटर है जो ट्राइंगल के अंदर में जब सर्कल बन रहा था, ये यही वाला इन सेंटर है। यानी कि अगर हम इस सेंटर पे पकड़ के एक सर्कल बना दे कुछ ऐसा, तो ये क्या बन जाएगा, बोलो 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 बोलो, इन सर्कल, इन सर्कल। सबको समझ में आ रहा है, ये सब चीजें हार्ड लगती थी ना, जान झोंक दे रहे हैं आपको समझाने के लिए। एडवांस मैथ्स से जिनको डर लगता है बस सीटीसी से जुड़ जाओ, भूल जाओगे एडवांस मैथ्स को हार्ड बोलना, उल्टा बोलोगे एडवांस मैथ्स तो इजी है रे अरिथमेटिक से भी, बट टाइम लगेगा। चलो तो ये जो इन सेंटर क्यों बना, क्योंकि भाई इन सर्कल का सेंटर है। अब भाई मजे वाली बात, अभी बहुत ध्यान से सब लोग सुनेंगे, ये जो पॉइंट था आई, ये जो एंगल होगा ये भी क्या होगा, आई एंगल, आई एंगल, ठीक है, इन सेंटर एंगल। देखो अब हम नाम दे दिए ए बी और सी, बी और सी, तो बहुत ध्यान से सुनना, हम बता रहे हैं, छोड़ो अभी बताएं आर्यन, अभी नहीं बता रहे, चलो इसको रखते हैं, तो ज्यादा हो जाएगा, इसको नेक्स्ट वाले में बताएंगे, ठीक है, ये वाला चीज ना अभी अभी के लिए हमको लग रहा फिर दिमाग ले नहीं पाएगा, तो अगले वाले में बताएंगे। चलो दो केस इसको रखो अभी, अभी आप आते हैं हम लोग थर्ड केस में, जो कि लास्ट केस है, लास्ट केस है, टेंशन मत लो। लास्ट केस ये बोल रहा है कि किसी भी ट्रायंगल में, ये क्या था मीडियन जो सेंट्रोइड बना, ये क्या था एंगल बाइसेक्टर इन सेंट्रोइड बना, अभी बोल रहा है किसी भी ट्रायंगल में जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मीट करेंगे, मतलब परपेंडिकुलर भी होगा और बाइसेक्टर भी होगा, ऐसा जब होगा ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो बनेगा भाई सरकम सेंटर, क्या बनेगा, इसको हम लोग बोलते हैं सी, सी 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 सी, सी माने सरकम सेंटर, हम लिख दे रहे सब, टेंशन मत लो, ये बनेगा मेरा सी, सी माने सरकम सेंटर, सरकम सेंटर। सब लोग कॉपी में लिखिए, सरकम सेंटर कब बनेगा, तब बनेगा जब, व्हेन थ्री
perpendicular bisectors intersect each other. When three perpendicular bisectors intersect each other. बस और कुछ नहीं जानना है.